हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल। आज 24 अक्टूबर है, टाइम हो रहा है 5 बजा हुआ है सुबह का, और हम लोग अभी निकल रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं एक बाइक राइड पे, और बाइक से हम लोग जा रहे हैं मसूरी के पास पड़ती है एक जगह धनौल्टी। तो क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, दशहरा है मंडे को, तो लॉन्ग वीकेंड है, उसका यूज़ करके हम लोग फाइनली बाइक राइड के लिए, लंबी बाइक राइड के लिए निकल लिए हैं। करीब 300 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से धनौल्टी। 5 बजा हुआ है लगभग। चलिए निकलते हैं, अब मिलते हैं आपसे रास्ते में। कल पेट्रोल डलवाया था 12 लीटर, ट्रिप ए को मैं अभी 0 कर देता हूँ। देखते हैं कितना किलोमीटर टोटल चल रही है। 5:36 नाउ। जय माता दी। एक मेरा दोस्त जा रहा है मेरे साथ, जीतू। जल्दी निकलने का जो रीज़न था वो ये था कि लोगों को उठने से पहले ही अगर हम भीड़ भड़ाके वाले, जैसे गाज़ियाबाद वगैरह है, मेरठ है, इसको थोड़ा पार कर लें जल्दी से जल्दी 7-8 बजे तक। पर हाँ, थोड़ा अभी लेट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस ट्रिप में ना ही हमारी कोई रिपोर्ट चेक हुई जैसे अनलॉक 3 तक होती थी, ना ही हमसे कहीं ई पास मांगा गया जैसा कि करंट गाइडलाइंस में था कि ज़रूरी है, हालांकि हमने किसी पोर्टल पर रजिस्टर भी नहीं किया था, और आखिर में ना ही हमारी होटल्स बुकिंग चेक हुई कहीं भी। अब थोड़ा आगे जाकर पिलखुआ से जस्ट पहले गूगल मैप ने हमें एक लेफ्ट टर्न लेने को बोला, जो काफ़ी विलेज जैसा स्ट्रेच था, करीब 1 घंटे का, और हम सीधा जाके कनेक्ट हुए मोदी नगर। बट सुबह सुबह गांव के रोड्स पर बाइक चला के ठंड से हड्डियां जरूर कांप गई हमारी। तुम चाय पियोगी भैया? 3 चाय बना दो, थोड़ा साफ होना, ये का व्रत है ना। टाइम हो रहा है 7:08, अभी भी मतलब 300 किलोमीटर टोटल हमारी ट्रिप थी, 250 अभी भी बचा हुआ है। मोदी नगर के आगे थोड़ा आके रुके हुए हैं, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। बहुत ठंडा रास्ता था, बीच में कोई रास्ता दूसरा ले लिया था गांव का, तो बहुत ठंडा था वहां पर, तो चाय पी के तब आगे बढ़ेंगे। धनौल्टी जो कि गढ़वाल हिमालय रेंज में आता है, मसूरी से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी जो कि इंडिया के टूरिस्ट के बीच शायद सबसे फेमस हिल स्टेशन है, और वो फॉल करता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। पर वहीं पास में धनौल्टी जो कि लाई करता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, वो हमेशा टूरिस्ट की बड़ी भीड़ की नज़र से बच जाता है। एज अ रिजल्ट धनौल्टी बन जाता है परफेक्ट प्लेस एक शॉर्ट गेटअवे एंजॉय करने के लिए। जहां मसूरी में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खूब सारा ट्रैफिक मिलता है, तो वहीं धनौल्टी के ज़्यादातर होटल्स रोड से हटके नीचे की तरफ बने हुए हैं, और ज़्यादातर होटल्स पहाड़ों का और देवदार, रोडोडेंड्रॉन और ओक से ढके हुए जंगल्स का एक अमेजिंग व्यू देते हैं। 199 किलोमीटर रिमेनिंग ओनली। 120 कर दिया सुबह से। बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, ये मेरा सोने का टाइम है। आ जा भाई, तुम भी आ जा। 8:45 टाइम हो रहा है। हम लोग ये मुजफ्फरनगर के पास कहीं पर हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि अब हमारा जो रिमेनिंग किलोमीटर्स है वो 200 से कम हो गया है। तो इन्हीं भाई की जो है वो एक्टिवा है, तो इसीलिए स्पीड जो है थोड़ी हम लोग कम ही रख रहे हैं। वैसे तो स्पीड कम ही रखते ही हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गजब गजब। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। Stretch yourself. Yes, good. Touch your feet. Good. तो अब हमें यहाँ से एक टर्न लेना है देहरादून की तरफ, और 124 किलोमीटर्स आर लेफ्ट। हमारा बंदा रह गया पीछे, वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि मैं पहले देहरादून से जब ट्रैवल करती थी इधर, उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये फ्लाईओवर्स वगैरह अभी बने हैं रिसेंटली, मतलब
पिछले 3-4 सालों में कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद और फिर सहारनपुर बाईपास करके यहाँ से राइट टर्न लेके रोड पकड़ लेते हैं देहरादून वाली। हमारे जो स्कूटी वाले एक्टिवा वाले भाई हैं, ये एक्टिवा जो है वो तबाह हो गई। तबाह नहीं हो गई, एक्चुअली स्पीड थी एकदम से ख़राब, एक पैच आ गया उस पर चली गई, तो उसकी जो हेडलाइट है वो हिल गई। एक रिपेयर शॉप पर रुक गए वो ठीक कराने के लिए। 12 बजा हुआ है, 4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे भाई। मजे आ रहे हैं? बॉडी पेन नो? ठीक है। हाँ वो बम तो बॉडी से अलग है ना, USB से कनेक्टेड है ना। उसके बाद हमने एक्टिवा का फ्यूल रीफिल कराया और ऐसे ही हंसते खेलते एंट्री कर गए उत्तराखंड में। और ये शुरुआत हो गई है पहाड़ों की। आजकल मसूरी में इतनी स्नोफॉल भी नहीं होती जितनी कुछ साल पहले हुआ करती थी, पर वहीं धनौल्टी जनवरी फरवरी में बर्फ से ढका रहता है। एक और रीज़न मसूरी को अवॉइड करके धनौल्टी जाने का। धनौल्टी के सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट्स में से एक है, बल्कि दो हैं, यहाँ के दो इको पार्क जो कि आपस में 200 मीटर की दूरी पर हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा डेवलप किए जाते हैं। एक का नाम है अंबर इको पार्क तो दूसरे का नाम है धरा इको पार्क। इस वीडियो में मैं आपको धरा इको पार्क लेके चलूँगा। टाइम है 3:23 PM। तो एक और फेमस पॉइंट है सुरकंडा देवी टेंपल, जहां पहुंचने के लिए एक छोटा सा 1.5 घंटे का ट्रैक करना होता है, बट वहां से हिमालय की स्नोफील्ड रेंजेस का व्यू मिलता है हर मौसम में। जो रेंजेस वहां से दिखाई देती हैं वो है स्वर्गारोहणी और बंदरभूज। धनौल्टी खुद समंदर से 8000 फीट की हाइट पर है, तो वहीं सुरकंडा देवी टेंपल की हाइट 10000 फीट है। ये धनौल्टी के नियर बाय एरिया का हाईएस्ट पॉइंट है। सुरकंडा देवी टेंपल में सबसे ज्यादा भक्त आते हैं गंगा दशहरा में, मई और जून के बीच। Thank you.
फाइनली 4:30 पर अपने रिसॉर्ट पहुंचे। हमने यहाँ पूछा कि इस रिसॉर्ट का नाम कुकुटी क्यों है, तो हमें पता चला कि कुकुटी यहाँ की एक पक्षी यानी बर्ड है जो इनके रिसॉर्ट के लोगों में भी बनी हुई है और यहाँ बड़ी इजली से देखने को मिल जाती है। वो रही, अब आज शाम क्योंकि हम पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक गए थे तो आज तो नहीं बट सुबह आपको ज़रूर इस प्रॉपर्टी का व्यू दिखाऊंगा। अगर रिलैक्सिंग शाम नाम की कोई चीज़ होती है तो वो यही है जो हमने घुघुटी रिजॉर्ट में बिताई। अगर आप यहाँ एप्पल सीज़न में आते हैं तो आपको रिसॉर्ट के अंदर ही एप्पल के पेड़ मिल जाएंगे, एप्पल से भरे हुए। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीरियसली आई एम इन लव विद दिस प्लेस एंड आई सीरियसली सजेस्ट दैट व्हेनेवर यू गाइस विजिट, आप जब भी धनौल्टी आएँ स्टे एट दिस प्लेस। खास बात यह है कि धनौल्टी के दो सबसे फेमस स्पॉट्स के बीचों बीच ये रिसॉर्ट है, यानी कि जहाँ एक तरफ 3-4 किलोमीटर चलने पर सुरकंडा देवी का ट्रैक है तो वहीं दूसरी तरफ 3-4 किलोमीटर जाने पर दोनों इको पार्क हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग 10:30 निकल लिए सुरकंडा देवी टेंपल के लिए, जिसका ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट रिसॉर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ब्यूटीफुल नज़ारे, कैसा लग रहा जीतू? मस्त, बेहतरीन, खूबसूरत, अलग ही नज़ारा है। और टॉप पे है हम लोग तो कितना और अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश, आवाज देख रहे हो कैसी गूंज रही है। हाँ, ये वो जगह है एक्चुअली जो हमारे रिसॉर्ट की जो पार्किंग है, एक छोटा सा ऐसा स्पॉट है, यहाँ पर हम बाइक और कार वगैरह इजीली खड़ी कर सकते हैं। और थोड़ा ही आगे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर गोभी की खेती हो रही है। अब सुरकंडा देवी की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना शुरू कर रहे हैं। वो मंदिर है वहाँ पर।
लोग माता के दर्शन करने जा रहे हैं। यस लीजिए हमारे थोड़े सामान देख रहे हैं। सामान देख रहे हैं। 20 रुपए पर जूता। पैर नहीं सिंगल है, पर जूता बोला उसने। ओ गजब, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उतना क्लियरली, बट वो वाइट वाइट जो लाइंस हैं वो ग्लेशियर लाइंस हैं यार, पूरा स्नो स्नो स्नो। चढ़ाई ऐसे ही केवल करीब 1 घंटे की है मैक्सिमम, वो भी रुक रुक के, अच्छा खासा रुक रुक के। या तो शॉर्टकट ले सकते हो या तो सीमेंटेड जो सीढ़ियाँ टाइप से बनी हुई है वो कर सकते हो। शॉर्टकट लेने में थोड़ा ये है कि ताकत ज़्यादा लगती है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाती है। पर अगर आप जाते हो तो ऊपर से जो दूसरी तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ से, मतलब स्नो पीक्स हैं, वो मतलब इकलौता स्नो पीक्स केवल यहीं से दिखी है पूरी ट्रिप की, तो इट इज़ वर्थ इट। तो ये यहाँ पर धनवल्टी के आसपास का सबसे मेन अट्रैक्शन है ये। इसके अलावा है इको पार्क, जिसके बाद हम लोग जाएंगे इसके बाद। और ये ट्रिप जो है वो एक और वजह से खास है, क्योंकि अब हम लोगों के जो छोटा सा जो यूट्यूब चैनल है उसमें 5,000 लोग जुड़ चुके हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट मतलब ऐसे तो नहीं है पर मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। सोचा था कि काफ़ी जल्दी हो जाएंगे लेकिन काफ़ी देर में हुए। 2:30 बज गए और अब हम जा रहे हैं इको पार्क, तो चलो चलते हैं वहाँ का, देखते हैं कैसा है। पेटीएम वगैरह है सर? मैम कैश। हम लोग आ गए हैं इको पार्क में, वेरी ब्यूटीफुल। बाद हम वापस चले नोएडा की तरफ। देहरादून में हमने अपनी बाइक में भी फ्यूल डलवाया और जैसे हमें आने में 11.5 घंटे लगे थे तो वापस जाने में हमने 10 घंटे में अपना सफ़र पूरा किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो शेयर, लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।